केंद्रीय सड़क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रविवार नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। सिविल लाइन स्थित जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के व्यापारी शामिल हुए। पूर्वाध्यक्ष हेमंत गांधी, डॉक्टर दीपेन अग्रवाल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, दिलीप जोशी, जय प्रकाश गुप्ता, संजय बंगाली, गिरीश व्यास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद गडकरी का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। गुलाल उड़ाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। दर्शकों से बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर बाजारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इतवारी जैसे भीड़भाड़ वाले बाजार में व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ग्राहकों को भी असुविधा होती है या पार्किंग की सुविधा न होने के कारण जाम लगा रहता है। इस पर काबू पाने के लिए अन्य स्थानों पर बाजारों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। यह काम पूरा होने के बाद कारोबार बढ़ेगा और ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी, ऐसा गडकरी ने कहा। सबसे पहले होली के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। होली का त्योहार ऐसा है कि जिससे हमारा ऋतु बदलता है और वो बदलने का साइन जो है वो होली के दिन मिलता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग उद्योग और व्यापार क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा नागपुर उद्योग और व्यापार के दृष्टि से काफ़ी बदलेगा और आप सब लोग निश्चित रूप से काफ़ी आगे जाएंगे और आगे जाकर देश का उद्योग व्यापार के दृष्टि से एक प्रमुख शहर करके हम देश में पहले 3 शहरों में निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी हमने नागपुर में किराना एसोसिएशन को 38 एकड़ जगह दी, उनका मार्केट बनना शुरू हुआ है। उसके बाद में मेयो हॉस्पिटल से लेकर शहीद चौक किन्नौल चौक से जो 4 लेन रोड बन रहा है उसमें हम 4 मार्केट बना रहे हैं। ऑलरेडी उसका डिज़ाइन तक बात आ गई है और जितने लोग वहाँ हैं उतनी जगह उनको फिर से एक बार देने वाले हैं। उसमें से लोहा बाजार, पोहा बाजार, दही बाजार और विशेष रूप से उसके साथ साथ हम लोग और भी जगह पर जैसे टेक्सटाइल के लिए गीता मंदिर के सामने हमने एम्प्रेस मिल की जगह पर करीब 15 लाख स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा मार्केट वहाँ भी खड़ा हो रहा है। मेरा विश्वास है कि अलग अलग एसोसिएशन को मैंने बहुत बार चेंबर को ये प्रस्ताव दिया था कि हमारे पास अच्छी अच्छी जगह है और आप उसका उपयोग करके एक ही जगह पर अगर अच्छे मार्केट बनाएंगे तो आपके उद्योग व्यवसाय के लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इतवारी में ना स्कूटर खड़ी हो सकती है ना गाड़ी खड़ी हो सकती है और इसलिए आने वाले समय में हमें सबको गोडाउन की भी आवश्यकता है। देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक पार्क के लिए नागपुर को दिए हैं और अभी सिंधी में हमने जो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है उसी के बाजू में जगह निश्चित की है जो नागपुर और वर्धा के सीमा पर है और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बरडी से 25 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद रिंग रोड है, ये जो हमारे खापरी के पुल से बुटीबोरी तक इसका भी 6 लेन का काम शुरू हो गया है और निश्चित रूप से हम लोग जो मैं कह रहा हूँ और 5-7 मिनट कम हो जाएंगे, हम 20 मिनट में नागपुर से वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ काफ़ी बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है, एक ही बात का मुझे थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि हर साल में जब कार्यक्रम में आता था तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक पुरानी पहचान थी नागपुर की, जिस जगह पर बार हर समय कार्यक्रम होता था, इस बार मैं आखिरी तक मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा तुम गलत कर रहे हो, ये कार्यक्रम उधर है, तो बोले उनका कार्यक्रम पत्रकार भवन में तो स्वाभाविक रूप से आपका भी भवन जल्दी निर्माण हो, ये आपको होली के दिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार तहे दिल से आप सबको, आपके सभी एसोसिएशन को, कैलाश जी, प्रफुल्ल भाई भी बैठे हैं यहाँ, शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ और आप सबकी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं मेरे साथ पूरे चुनाव में रहेगी और आप सबका समर्थन ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और आज भी जो मैं जो कुछ काम देश में कर सका वो नागपुर की जनता अगर मुझे चुनकर नहीं देती और मैं सांसद नहीं बनता तो मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए काम आप सबके कारण मैं कर सका हूँ। मैं आपका प्रेम और शुभेच्छा इसी रहेगी, फिर से एक बार आपको होली की बहुत बहुत बधाई। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।